estar hoy de aquí a un tema que ahora quiero decir que yo. नमस्कार, सबसे पहले आप लोग को मेरे तरफ से हृदय से नमस्कार। मैं राजू सिंह माही। आज फिल्म की शूटिंग चल रही है लव के लिए कुछ भी करेगा, ये अंतिम पड़ाव पे है और आज मैं आम्रपाली जी के साथ मेरा गाना है। इस पिक्चर में मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो बिहार में पहली बार आम्रपाली जी के प्रोग्राम में मैं इनके प्रोग्राम में जा रहा हूँ, तो मुझे हीरो बन के जाना पड़ रहा है कि भैया आम्रपाली जाएँ तो आप हीरो बन के चलिए, तो उनका इंट्रैक्शन आपसे होगा, ऐसा कुछ डायरेक्टर ने जताया है। तो आप हीरो बनने के लिए क्या क्या आपको पापड़ बेलने पड़े, जिसकी आज भी गेटअप के लिए भी काफ़ी आपको मशक्कत झेलनी पड़ी होगी और ड्रेस के लिए भी काफ़ी इंतजाम करना पड़ा होगा। हाँ, गांव में जब कोई बंदा हीरो बनता है तो वाकई उसको हर चीज़ें अलग जगह जगह जुटानी पड़ती है। हाँ कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा मैं ऊपर से सोने से लदा हुआ हूँ और काफ़ी गोल्ड की माइक भी मेरे हाथ में है, तो पूरा सजा धजा के मुझे भेजा जा रहा है कि तो अब क्या है, जब आप सज धज के जा रहे हैं तो दिल में उमंग भी होगी, एक हीरोइन जो जुबली स्टार सुपर स्टार ड्रीम गर्ल है उनसे मिलने जा रहे हैं, तो किस तरह से गुनगुनाते हुए क्या क्या मन में ख्याल आप जी? सिनेमा के हिसाब से बहुत ही एक्साइट हूँ कि जब मुझे मालूम पड़ा कि उनके साथ उनका प्रोग्राम आज है बिहार में पहली बार और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ इस पिक्चर में, तो उसी तरीके से मुझे सजा के भेजा जा रहा है कि आप जाइए और उनको इंटरेक्ट करिए। तो उसके लिए क्या क्या रिझाने के लिए आपने तैयारियों को सोचा होगा कि किस तरह से अट्रैक्टिव हो आपको, एक हीरोइन एक आम इंसान से कैसे रुझेगी? बस यही तैयारी जो तैयारी किया गया है कि भाई ठीक है जाएंगे, थोड़ा हीरो बन के जाएंगे तो थोड़ा काफ़ी दिखने को मिलेगा, बस यही सही है। मतलब कहने वाली बात है यही सोच रहे भाई, हीरे जवाहरात मोती सब देख के हो सकता है लोग ही हो जाए लुभा जाए आपके ऊपर। कुछ अच्छा किरदार की बात की जाए तो किरदार काफ़ी अच्छा है और मतलब एकदम अलग हट के अब तक मैंने जितनी फिल्में किया है सब में अलग अलग रोल किया है, उसमें भी काफ़ी अच्छा है जो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ही अच्छा है। तो जैसे कि कुछ लुक भी आप लोग बारे में बताएं, जैसे कि आपने अब तक जितनी फिल्में 1500 आपका लुक काफ़ी डिफरेंट होता है, इसमें भी काफ़ी अलग लुक आपका दिख रहा है, इसके लिए क्या तैयारी में क्या सोचते हैं, क्या प्लानिंग होती है आपकी? मेरी हर फिल्मों में मेरा गेटअप एकदम अलग तरह से है, मेरी इसको लेकर मेरी 15 फिल्में हो जाएंगी और 15 फिल्मों में 15 तरह गेटअप मेरा है, सब में अलग अलग, कोई रिपीट नहीं है। इतना कैसे ध्यान रख पाते हैं कि उसमें ये था इसमें वो था, ये रिपीट नहीं होना चाहिए? हमेशा रिसर्च करता हूँ कि अच्छा क्या हो सकता है। इसके लिए और किसी को आपको सपोर्ट मिलता है कि अकेले ही पूरा है? नहीं, मैं खुद ही अपना ध्यान रखता हूँ कि मुझे क्या कैसे करना है और सजेस्ट करता हूँ डायरेक्टर को, उनसे लेता हूँ फिर करते हैं। पर्दे से अलग देखा जाए आम्रपाली जी और आप, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, किस तरह रिलेशन है, कैसे व्यक्तित्व क्या है आम्रपाली जी का और आपका? आम्रपाली जी का देखिए बहुत बड़ा नाम है और आज मैं काफ़ी एक्साइट भी हूँ कि उनके साथ मेरा गाना होने जा रहा है। इस समय यूट्यूब की सबसे बड़ी रानी है वो, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, और एक मेरे भाई हैं मधुविंदर राय जी, तो उनके सपोर्ट से ये सॉन्ग मतलब हुआ, तो उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि हम लोगों ने उन्हें से मिल के डिस्कस किया कि ऐसा ऐसा भाई सीन में किया गया तो आप इसको आगे बढ़ाइए, तो उन्होंने काफ़ी मदद किया हमारी। जैसे कि फिल्मों की बात कर रहे हैं, जैसे कि एक रोमांटिक विलन आप हैं, तो कहीं कहीं रोमांस के लिए कोई ना कोई एक ड्रीम गर्ल भी होगी आपकी फिल्म? नहीं, वो तो फिल्मों इस पिक्चर में मैं हीरोइन को प्यार कर रहा हूँ और उससे शादी करना चाह रहा हूँ, तो काफ़ी मतलब एक कॉमेडी टाइप का और जो भी होना चाहिए सारे उसमें सीन दिखाए गए हैं। तो हीरो कौन है, हीरोइन कौन है? हीरो विशाल सिंह हैं और हीरोइन नीलू शंकर हैं और माही खान जी हैं और स्नेहा जी हैं, तीन हीरोइन इसमें हैं। तो तीन में से कौन हीरोइन आपको मिलती है, तीनों भाग जाती हैं? अब वो पिक्चर देख के मालूम पड़ेगा। कुछ सस्पेंस बताएंगे? नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा, आपकी कौन कौन फिल्में आ चुकी हैं और कौन कौन फिल्में आने वाली हैं? अभी मेरी फिल्म गदर 2 जो रिलीज पे है, 26 को होनी थी पर किसी कारणवश रुक गई और मेरे ख्याल से इसी होली के बाद शायद रिलीज हो गदर 2। और कौन कौन फिल्में आपकी आ चुकी हैं अब तक? अब तक मैंने बहुत विधायक जी, जान तेरे लिए, इंतकाम और जब प्यार किसी से होता है, जान का दाना, तीन बुड़बक और गदर दिलवाले, राधा 2, मेरी काफ़ी फिल्में हैं जो फ्लोर पे अभी आने वाली भी हैं और आ भी चुकी हैं।
आपका नाम को लेकर के थोड़ा सा जानना है कि राजू सिंह नाम है, साथ में माही जुड़ा हुआ है, माही क्या है? राजू सिंह माही मैंने बहुत पहले से रखा था, चूँकि मैं 2006 से मैं थोड़ा सा राजनीतिक फील्ड से भी रहा हूँ। मैं अमर सिंह की पार्टी का प्रदेश महासचिव था उनकी पार्टी कोरम में, और मतलब शुरू से राजनीतिक भी लगाव रहा है, और भोजपुरी सिनेमा का तो खैर अपनी माटी है तो थोड़ा इसे ज़्यादा प्यार है, और काफ़ी मतलब तो राजू सिंह माही एक मतलब ट्रेड मैंने ऐसे रखा कि राजू सिंह माही तो राजू सिंह माही जी। जैसे कि आपका पर्सनालिटी जो भी है सिनेमा में एक बड़ा नाम आपका हो चुका है, लेकिन आप बॉलीवुड में जा सकते हैं और साउथ में भी जा सकते हैं, जैसे लुक आपका है, लेकिन आप बॉलीवुड और ये सब साउथ छोड़ी सिर्फ भोजपुरी को ही क्यों अपनाया आपने? नहीं, भोजपुरी अपनी माटी, इसमें तो काम करना ही करना है, बाकी मेरी बाहर भी बात चल रही है। अभी इस साल मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं जो समय से बताऊँगा आप लोगों को, और काफ़ी मेरी अच्छी बातचीत चल रही है। मैं लास्ट में जानना चाहेंगे आपका ड्रीम रोल क्या है, जैसे कि होता नहीं सपना कि मैं इस तरह से किरदार करूंगा या मेरे आदर्शों में मुझे ऐसा कुछ रोल आता है अभी तक? देखिए, कलाकार हमेशा सफलता ही चाहता है कि अच्छा अच्छा काम कर सके, लेकिन बस यही है कि एक अच्छा करेक्टर कर पाऊँ, जो कि हमेशा हर आदमी अच्छा ही चाहता, कभी किसी चीज़ का अंत होता ही नहीं है, बहुत दर्शकों का प्यार बना रहे, बस इतना ही चाहूँगा मैं। अलाउद्दीन खिलजी का रोल अगर मिले तो करेंगे? जबरदस्त। और अलाउद्दीन खिलजी अगर मुझे मिल जाए तो शायद मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूं और कर भी ले जाऊंगा। रणवीर को पीछे छोड़ पाएंगे? नहीं, रणवीर सिंह देखिए हिंदी इंडस्ट्री अलग है, अब उन किसी को पीछे छोड़ने की बात नहीं करूंगा, बस ये कि मैं भी बेहतर करना चाहूंगा कि उनके जैसा मैं भी करूं। थैंक यू। ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे अपनी ये फिल्म जो आज कुछ भी करेगा, और आप क्या क्या लव प्ले कर रहे हैं दर्शकों से, क्या कहना? ऑडियंस से कहूंगा कि सिनेमा हॉल में जाए, पिक्चर देखे, बहुत अच्छी पिक्चर बनी है, काफ़ी अच्छे इसके लोकेशंस भी हैं, और ये पिक्चर मतलब एक अलग तरह की फिल्म बनाई गई है जो मतलब बहुत अच्छी लगेगी सबको, जरूर देखें और इसका मजा लें। भैया होली आ रहा है तो एक साथ सबको जो है होली शुभकामनाएं, माइक थोड़ा नीचे करके। होली के त्यौहार पे अच्छा लग, ओके। नमस्कार, मैं राजू सिंह माही, माइक थोड़ा नीचे कर लीजिए। नमस्कार, मैं राजू सिंह माही। होली के त्यौहार के अवसर पर आप सभी दर्शकों को, आप सभी भोजपुरिया वासियों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप होली का त्यौहार अच्छे से मनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।